हैं मेरे चैनल पर। तो अभी सुबह का नाश्ता हो रहा है और आज मैंने नाश्ते में बनाए हैं वो है चाय और धारा के लिए दूध। तो ये धारा की और उनके पापा की प्लेट है। तो अभी धारा और हम सब बैठ रहे हैं नाश्ता करने के लिए और दिया बाकी हो गए हैं, पापा सारा काम हो गया है, बस अभी बर्तन करने हैं और नाश्ता करना है, बाकी सारे काम हो गए हैं। तो चलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं और आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म पोहे और चाय का नाश्ता करने के लिए। तो चलो पहले मैं इनको दे देती हूँ नाश्ता। तो अभी यहाँ पर दुकान लगाई है पोहे की। तो क्या क्या इसमें ऐड किया है, इसमें सेव, बूंदी और खजूर इमली की चटनी और देखो ये है सुबह का नाश्ता। और पूरी दुकान लगा कर बैठे है धारा और उनके पापा दोनों ही। देखा कितना सारा नाश्ता यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। तो तुम नहीं खाओगी। और यहाँ पर है धारा का दूध और ये है मेरी चाय। तो ये अंदर रख दो, ये हवा लग जाएगी तो खराब हो जाएगी बूंदी। तो देखो है ना चटूरे सिंह के पापा भी चटूरे, बाप बेटी दोनों ही देखो। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए। देखो धारा क्या कर रही है, धारा के पापा अभी यहाँ पर गुड़हल की जो कल मैं टहनी लाई थी वो पौधे लगा रहे थे और धारा यहाँ पर ऐसे रघुपति राघव गाना गा रही थी। तो देखो सामने चेयर लेकर बैठी थी। तो यहाँ पर एक टहनी, धारा रुक जाओ रुक जाओ। तो यहाँ पर एक टहनी लगाई है, चौकड़ी पत्ते का पौधा है वहाँ पर। और ये करंट जिस गमले में थी वो निकाल कर यहाँ पर लगा दी है और अभी अच्छे से सारे पौधे में पानी भी कर दिया है और कपड़े मैंने सुबह ही धोए थे। तो एक इसमें टहनी लगाई है, तो देखते हैं ये होती है कि नहीं, शायद हो जाएगी क्योंकि मॉनसून का टाइम है। तो अभी गमले में लगाया तो हो जाएगा है ना बड़ा क्या। धारा ने सभी गमलों में पानी पिला दिया, वो कहना चाहती है। तो अभी मैं आपको वो कमल का फूल भी दिखाऊंगी। ये है वो कमल का फूल, छोकल में लाई थी। तो देखिए मैंने पानी की कटोरी में भर के रखा था तो अच्छे से खिल गया है। थोड़ी देर भी हम बाहर रख देते हैं तो ये मुरझा जाता है और ये बंद हो जाता है, ऐसे हो जाती है कली फिर से। और जैसे ही पानी में हम डाल देते हैं तो ये अच्छे से खिल जाता है। धारा इसमें ऐड कर दो, इसमें इसमें डाल दो, इसमें रख दो। हाँ रख दो रख दो इसमें, ये इसकी टहनी छोटी है इसलिए। तो चलो अब तुम्हें नहाना नहीं है, ऐसे ही घूम रही हो गंदी धारा, गंदी धारा। नहाई भी नहीं और नाश्ता भी कर लिया और कान्हा जी की पूजा भी कर ली, बस अब बस करो। धारा पानी के पीछे ऐसे पड़ जाती है, देखो अभी ये कटोरी साफ कर रही है। और अभी ये यहाँ पर ये कड़ी पत्ते का जो पौधा है उसे अच्छे से डोरी से बांध कर रख दिया है ना। तो ये कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा ग्रो हो गया, देखो चारों तरफ से टहनियां निकल रही है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है ना। मुझे तो कड़ी पत्ता खाना भी अच्छा लगता है, मैं तो वैसे ही कड़ी पत्ता तोड़ के खा लेती हूँ। क्या है ये जब्बर मारा। हाँ जब्बर मिला धारा चोटी रहने ही नहीं देती। रात को धारा ने बालों में से ये रबड़ निकाल लिया था तो कहाँ गिर गया था वो पता नहीं था। तो अभी धारा को मिला तो वो लेकर आई और दिखा रही है। तो चलो अभी नहला देती हूँ, तैयार हो जाओ फिर खेलना। एकली ना आऊंगी, क्या लो क्या लो, चलो तुम्हारी वहां से चेयर उठाओ, चलो चलो तुम्हारे बाल भी धोने हैं और अच्छे से तेल मालिश भी कर देती हूँ, चलिए फटाफट। अभी धारा दीदी नहाकर हो गए हैं तैयार और फाइनली मेरा घर का सारा काम भी हो गया है। ये लास्ट वाला काम था धारा को नहलाना और उसको तैयार करना। तो अब धारा खेलेगी और मैं देखती हूँ खाने में क्या बनाती हूँ क्योंकि 10:30 हो गए हैं और सब्जी भी मंगवानी है। तो आज तो मैं 5-6 दिन की एक साथ ही मंगवा लेती हूँ है ना। हर रोज की ये दिक्कत होती है सब्जी में क्या बनाऊ, सब्जी मंगवानी है, यही चलता रहता है। और देखो धारा के बाल बहुत ही जड़ रहे हैं, मेरे तो बाल जड़ते थे धारा के बीच में जड़ रहे हैं। तो देखो धारा आ गई अपने खिलौने लेकर, अभी मैंने नहलाया और अभी आप 10 या 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि धारा की क्या हालत होगी।
जरा घूमो तो अभी देखो अच्छे से सोना बाबू बन गई है और 10 मिनट के बाद ये सोना बाबू गंदा बाबू बन जाएगा, गंदा बाबू। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको, अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि थक गई हूँ, तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद। हेलो फ्रेंड, तो अभी मैंने इनसे सब्जियाँ मंगवाई थी और सब्जी में ये क्या लाए हैं देखो, एक फ्री सब्जी मिलती है इनको, लौकी, घिया, तोरी और गवारफली। कल ही हमने गवारफली की सब्जी खाई थी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर लौकी लाए हैं और क्या है, बीन्स, टमाटर, घिया तोरी, गवारफली और ये हरी मिर्च और केला, बस इतनी। और कोई सब्जी नहीं मिली आपको? नहीं मिलती। और एक घंटा लगा है इतनी सब्जी लाने में, कब से मैं राह देख रही थी आपकी, बस हर रोज आलू आलू आलू। वो भी क्या, कौन से आलू पता है? हमारे घर में कोई उबले हुए आलू की सब्जी नहीं खाता, जो छिलके वाले आलू होते हैं कच्चे उसकी सब्जी बनती है और उसके साथ या तो खिचड़ी बनती है या तो चावल बनते हैं। तो अब क्या करूँ, दूध आ गया, दूध 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 दूध। तो अभी धारा के पापा जा रहे हैं दूध लेने के लिए, दूध वाले भैया गए हैं और टाइम देखिए 12 बज गए हैं और अभी भी मैंने दोपहर का खाना भी नहीं बनाया, वरना हर रोज 12 बजे तो खाना बन जाता है मेरा। तो देखो अभी दूध वाले भैया आए हैं तो यहाँ से ही दूध ले लेते हैं, हर रोज दूध आता है। तो अब तक तो मैं धारा को लेने भी चली जाती हूँ और खाना भी बन जाता है। और संडे को क्या होता है, ये घर पर होते हैं, धारा भी घर पर होती है, तो सारे ही काम मेरे लेट लेट होते हैं। तो आपको तो कोई परेशानी है नहीं, आपने तो जोर शोर से सुबह खाए हैं पोहे, तो आपको तो भूख नहीं लगी है, भूख मुझे लगी है। तो चलिए यहाँ से सारा ही समेटती हूँ और मिलती हूँ मैं आपको। और अब मैं इसमें से कोई भी सब्जी नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैंने कल बनाई थी गवारफली की सब्जी और 2 दिन पहले बनाई थी घिया तोरी की सब्जी, तो एक ही सब्जी खा खा कर बोर हो जाता है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको। देखो अभी काम हो रहा है और मैंने चावल रख दिए हैं बनने के लिए, मैं राह देख रही थी इनकी कि ये आ जाए तो फिर मैं दाल चावल बनाऊं या क्या बनाऊं सोच रही थी, तो इसीलिए मैंने चावल रख दिए थे उबलने के लिए, क्योंकि चावल तो एक दिन छोड़ के एक दिन बनते ही है हमारे घर में, चावल और आलू के बिना हमारा गुजारा नहीं होता है ना। तो अभी ये दूध निकाल रहे है और अभी रख देंगे गर्म होने के लिए। तो चलिए मिलती हूँ आपको। फ्रेंड, तो दोपहर का खाना बन गया है और फाइनली इनकी पसंद का ही खाना बना है। तो धारा दीदी और उनके पापा बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर है क्या है धारा बताएगी आपको, सब्जी और चावल और सलाद और मच्छी, भरवा मिर्च, रोटी और आलू की सब्जी, चावल। तो धारा दीदी बैठ गए है खाना खाने के लिए। बजे है और बारिश हो रही है और हमें जाना था धारा का नाम लिखवाने के लिए गर्भी में, क्योंकि हमारे यहाँ नवरात्र में छोटी बच्चियों की गर्भी होती है और हर रोज ये सारी बच्चियाँ जाती है गरबा खेलने के लिए, डांडिया खेलने के लिए। तो बारिश हो रही थी तो अभी ये रुक गए हैं, तो अब कल जाएंगे। और ये हर रोज का हो गया है, दोपहर 3 बजे के बाद से बादल गरजना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे बारिश भी शुरू हो जाती है, पर इतनी तेज वाली बारिश आती नहीं, पर पूरे में इतना गीला कर देती है और कादव कीचड़ हो जाता है कि पूछो ही मत, और कोई भी काम नहीं हो पाता। तो अभी तो ये बैठे हैं राह देखकर के जाए कि नहीं जाए, पर मैंने ही मना कर दिया कि अब नहीं जाना है। और क्या वैसे तो कैसे ये मेरी बात सुनते हैं कि मैं बोलती हूँ तभी जाते हैं, मैं मना करती हूँ तो रुक जाते हैं। तो अभी आपको एक काम करना है, आपको बाहर नहीं जाना है।
तो अभी आपको बाहर नहीं जाना है, तो आप पूजा वाले कमरे में जितने भी पर्दे हैं वो सारे निकाल दीजिए सर आँखों पे। तो सारे ही पर्दे में कल पानी आने वाला है तो साफ कर दूंगी, धुल दूंगी तो अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि नवरात्र भी आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ कल पूजा वाले कमरे में साफ सफाई कर लूँ, तो आप मेरी मदद करोगे? नहीं, मैं स्टूल रख लूंगी। कल तो मंडे है, सोमवार है, तो आपको दुकान पर ही जाना होगा, तो कल तो मैं आपको नहीं बोल सकती कि आप मेरी मदद कीजिए। तो अभी दिया बत्ती कब ने जाए उससे पहले ही सारे पर्दे उतार लेते हैं, और कमरे में है वो भी, तो सारे ही ये काम निपटा लेते हैं, और रात को ही भिगा दूंगी तो अच्छे से साफ हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊँ सर, 2-2.5 महीने हो गए मैंने पर्दे नहीं धोए उसे, पर उस कमरे में ज़्यादा जाना नहीं होता है तो खराब नहीं होते हैं, तो इसी वजह से फिर साफ नहीं किए मैंने, धुले नहीं है, तो अब धुल दूंगी। तो चलिए आज का वीडियो इन तक रखती हूँ। आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो कल फिर मिलूंगी, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।